जो क्वेश्चन जो एग्जाम लेने वाला बॉडी है वही क्वेश्चन लिख करा रहा है। पत्रकार बंधु उपस्थित हुए हैं, हम लोग आज सभी के माध्यम से एक चीज राजवासियों को निवेदन करना चाहते हैं और जानकारी पहुंचाना चाहते हैं। आज हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बकायदा लेटर जारी करते हुए मुख्य सचिव डीजीपी के माध्यम से लेटर जो है फॉरवर्ड करते हुए सारी संपूर्ण जानकारी देने के बाद आज का आंदोलन रखा गया था 17 तारीख को, जिसमें हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव करने का जो है बातें अपनी पहुँचा दिए थे। जिला प्रशासन को भी इसकी सूचना दे दी गई थी और साथ ही उसके बाद जो है झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन लगातार जो है हमेशा से लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए अपनी जो है संवैधानिक दायरों में अपनी बातों को पहुंचाने के लिए आंदोलन कर रखा गया था और हम लोग आज भी अपनी बातों को लोकतांत्रिक मूल्यों के तरीके से हम लोग रखना चाह रहे थे। किसी भी प्रकार का षड्यंत्र करते हुए हमें जो जिस प्रकार से खदेड़ दिया गया, इधर से उधर भगा दिया गया, जिसके कारण जो है भगदड़ मची और इधर उधर, और इसके बाद बच्चे यहाँ से वहाँ पहुँचते हुए फाइनली जो है जो आपका है कांके रोड तक पहुँचे, जहाँ पर जो है लोगों को जो है लाठियों से डंडों से बच्चों को मार करके खून निकाल दिया गया है और कई के सर फूट गए हैं। ऐसे में उन बच्चे जो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रखने का, सरकार तक अपनी बातों को पहुँचाने का काम कर रहे थे, उनके साथ ये घोर अन्याय है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे लोकतंत्र में काला दिन वापस आ गया है। ऐसा जो है दुशासन जो है अंग्रेज शासन में भी नहीं था, जहाँ जो है बच्चों को मार के ब्लड निकल दिया गया है। ठीक है, आज हम लोग जो है हम लोग आज यहाँ जो उपस्थित हुए अपनी बातों को रखने के लिए हम लोग के कुछ मांगे हैं, जिसके तहत हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमारी बातों को अभी सुन ले। सबसे पहली बात हम लोग जो मांग में ये रखना चाहते हैं सरकार के समक्ष, वो ये है कि सबसे पहले जिन भी अगुआ साथी हमारे नेतृत्वकर्ता लोगों को सरकार ने पकड़ कर डिटेन कर लिया है, जिसमें हमारे छात्र नेता देवेंद्र नाथ जो है महतो उनको डिटेन कर लिया गया है, इसके अलावा मनोज यादव जी, इसके अलावा जो है मोतीलाल महतो जी, योगेश भारती जी, सत्यनारायण शुक्ला जी, 25 से 30 बेबी महतो, हाँ, इसके अलावा 30 साथी इसके अलावा तमाम लगभग 30 से अधिक लोगों को जो है 30-40 लोगों को जो है सरकार यहाँ का प्रशासन के द्वारा जो है उनको वहाँ पर डिटेन कर लिया गया। सबसे पहले मांग हमारा है कि उनको जल्द से जल्द यहाँ छोड़ा जाए। जब तक सरकार उनको प्रशासन यहाँ हम लोग को ला करके नहीं छोड़ेगी, तब तक हम लोग जो है यहीं ऐसे बैठे रहेंगे, हम लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो पहला मांग ये हुआ। दूसरा मांग हमारा सरकार से ये है कि जिस प्रकार से हम अपना मांग पत्र देकर के सरकार को अपनी बातों को रखने का काम किए थे, उसमें हमारी मुख्य 9 मांगे थी। उन 9 मांगों में जो मुख्य मांग था पहला, कि सरकार जो यहाँ पर भारत के नागरिक वाला आमंत्रण दे रही है झारखंड में, वो आमंत्रण को हम लोग यहाँ पर होने नहीं देंगे। 60-40 की जो नीति आरक्षण ST ST OBC और EBC के माध्यम से जो आरक्षण 60% हो रहा है, उसके अलावा 40% सीट में जो भारत के नागरिकों वाला जो आमंत्रण सरकार ने दे दिया है, तो ये चारागा बनने हम लोग झारखंड को बिल्कुल नहीं देंगे। सरकार को ये नीति आपस लेना पड़ेगा, मतलब लेना पड़ेगा। अगर सरकार इसको आपस नहीं लेती है तो फिर राज्यव्यापी आंदोलन होगा, 2400 जिलों में छात्र फिर अपनी अगुवाई करते हुए आंदोलन को खड़ा करेंगे। और कल से ना सिर्फ छात्र उतरेंगे सड़क पे मशाल जुलूस करते हुए, बल्कि उनके अभिभावक, उनके पड़ोसी, उनके मौसा, जेठा, जेठी, काका, खोड़ी सब मशाल जुलूस के साथ अपना विरोध प्रदर्शन और आक्रोश विरोध जो है करेंगे। क्योंकि आज जो बच्चे का प्रशासन के माध्यम से खून निकाल दिया गया है, पता नहीं वो बचेगा कि नहीं बचेगा, उसको हो सकता है रिम्स में भर्ती किया गया कि नहीं किया गया, ये भी नहीं पता हम लोगों को, उसको कहाँ ले गया। हम लोग बस देख रहे हैं फोटो के माध्यम से, विजुअल के माध्यम से, कि उसको ब्लड जो है सर से बह रहा है, एक छात्र का सर से बह रहा है खून। ये बात आप लोग को समझना चाहिए कि कितना बड़ा हमारे साथ अन्याय हो रहा है। छात्र का हाथ में ना लाठी है ना डंडा, आप देख सकते हैं, छात्र के पास किसी भी प्रकार का हथियार है ना कुछ है। लेकिन कल बकायदा जारी करते हुए सरकार ने ये लिखा था कि हथियार ये वो, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते थे, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन के माध्यम से सरकार ने अपना जो है छवि यहाँ पर जो हम लोग सत किया है, हम लोग सरकार का विरोध करते हैं। सरकार, ऐसी सरकार को हम लोग साफ साफ चेतावनी देता चाहते हैं कि हमारी जो मुख्य 9 मांगे हैं, जिसमें मुख्य पहला मांग है कि 60-40 झारखंड में नहीं चलतो, 60-40 नहीं चलतो, 60-40 नहीं चलतो, 60-40 नहीं चलतो। साफ साफ बता देना चाहता हूँ, 60-40 अगर चले गए यहाँ पर झारखंड के चरागाह है क्या, चरागाह में रख दिए हैं। बिहार सरकार 3 लाख टीचरों को बहाली करने जा रही है, साफ साफ लिखती है कि बिहार राज्य के स्थानीय निवासी आवेदन करेंगे, तो झारखंड क्या क्या है, खानाबदोश यहाँ पर चरागाह बना कर रखे आप। हम लोग किस लिए लड़ रहे हैं, एक तो यह बहाली नहीं आती, 5 वर्षों में मात्र आपका 357 वैकेंसी JSSC के माध्यम से हुआ है, JPSC के माध्यम से मात्र 252 सीट क्लियर हुआ है,
ओके मजाक बना के रख दिया है क्या? अरे हमारा हक, हमारे पूर्वज शहीद हो गया इसके लिए, झारखंड बनाने के लिए। और आज जब आंदोलन करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप हम लोग को कपाल फोड़ दे रहे हैं। ये कौन सी तानाशाही सरकार है? ऐसी सरकार नहीं चलेगी झारखंड में, ये बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर सभी वर्ग के छात्र, छात्र का कोई धर्म नहीं होता, राजनीति नहीं करते हैं, शुद्ध छात्र होते हैं और अपनी बातों को रखने काम कर रहे हैं साफ साफ। और यही बोल रहे हैं सभी लोग कि हम लोग का कुछ मुख्य मांगे हैं, मुख्यमंत्री अगर हमारी मांगों को मांग लेते। लगातार हम लोग लगभग 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, अगर आज तक मान लिया होता तो हम लोग आज यहाँ पर सड़क नहीं होते। आज दुर्भाग्य राज का कि बाहरी जो है तैयारी कर रहा है और भीतरी आंदोलन कर रहा है, किसी का नौकरी नहीं होगा फिर, और ऐसी सरकार को फिर हम लोग जो है उखाड़ कर फेंक देंगे। क्योंकि झारखंड राज्य झारखंडियों के लिए बना, ये पहला बात है, झारखंड झारखंडियों के लिए है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात को मानना पड़ेगा सरकार को। और अगर चारागाह बनाइएगा तो 2400 जिलों में कल फिर मशाल जुलूस निकलेगा, जो कि हम लोग का पूर्व निर्धारित है। और मशाल जुलूस ऐसा हम लोग अगर जिस प्रकार का जो खून खराबा हुआ है छात्रों के साथ, वो कोई भी वर्ग का छात्र हो कल अपना आक्रोश प्रदर्शन करेगा। और जो मुख्य 9 मांगे हैं हमारी, उन मांगों को सरकार तक हम लोग साफ साफ कहना चाहेंगे कि पहला मांग 60-40 की नीति नहीं चलेगी, दूसरी मांग यहाँ की JSSC के माध्यम से जितनी वैकेंसी होती है क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा JEE में नहीं होती है, लेव असिस्टेंट में नहीं करवा रहा, जानबूझ के PGDE के बारे में नहीं कर रहा, ताकि बाहरी बच्चों को यहाँ नौकरी दिया जाए। हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। क्षेत्रीय भाषा का टेस्ट हर एक एग्जाम में कम से कम 120 नंबर का, 120 नंबर का परीक्षा होना चाहिए। इसके अलावा और एक चीज बोलना चाहूंगा, हमारा तीसरा मांग ये है कि झारखंड सरकार जो हम लोग का जो है एग्जाम में जो है हमारा मुख्य 9 मांगे हैं, उनको सरकार को हम लोग मनवाने के लगातार कोशिश कर रहे हैं। चौथा बात यह है कि जो 7 जिलों में आरक्षण को शून्य किया गया OBC वर्गों को, ताकि आपस में लड़वा दिया जाए, ये नीति राज्य में नहीं चलेगी। जब सरकार संवैधानिक दायरों में 14% आरक्षण झारखंड में लागू कर चुकी है, 8% BC1 के लिए और 6% BC2 के लिए, तो ये नियम नहीं चलेगा। तो हमारा चौथा मांग ये है। इसी प्रकार से हमारा जो लगातार जो और मांगे हैं कि नकल विरोधी कानून झारखंड सरकार को उत्तराखंड की तर्ज पर, राजस्थान की तर्ज पर, गुजरात की तर्ज पर लागू करना पड़ेगा। अरे यहाँ JEE का परीक्षा होता है, दो बार पेपर बिक जाता है। तो इन सारी चीजों का हम लोग क्या ऐसा मांग कर जो सरकार लागू नहीं कर सकती है? हम लोग का कहना है जेन्यून जो मांगे हैं सरकार के माध्यम से लोग जो मांगना चाहते हैं, वही हम लोग मांग कर रहे हैं। और वो छात्र हित के मामले, ऐसा कोई मांग हम लोग नहीं कर रहे हैं। अभी सरकार के पास अगर खाद्यान्न आधारित नियोजन नीति के आधार पर नौकरी देने का प्रावधान नहीं कर सकती है, तो कम से कम जो 10 वर्षों के लिए टेम्पररी प्रोविजन करते हुए सरकार जो है 10 वर्षों के लिए नियम की थी, बाहरी कमेटी का रिपोर्ट को फॉलो करते हुए, अगले 10 वर्षों के लिए यहाँ के स्थानीय निवासियों को राज्य स्तर के वैकेंसी में तृतीय और चतुर्थ पदों में 100% आरक्षण देना पड़ेगा। 100% बिहार दे रहा है, छत्तीसगढ़ दे रहा है, छत्तीसगढ़ में हम लोग दालों का बाल में भर नहीं सकते, बिहार में हम लोग जो भर नहीं सकते, तो क्या झारखंड क्या खानाबदोश बन के यहाँ पर चारागाह बना दिए है? और यहाँ के सरकारी तंत्र जो बैठे हुए हैं, यहाँ के जो बोलते हैं कि मूलवासी सरकार है, आदिवासी सरकार, आलू छील रहे हो आप? अरे कैसा सरकार है आप? एक नियम नहीं बना सकते 3 साल में? आप बोले 2021 नियुक्ति वर्ष होगा, अरे काहे का नियुक्ति वर्ष, कहाँ हो गया नियुक्ति वर्ष आपका? साफ साफ कहना चाहते हैं, अभी भी टाइम है, अगले 8 महीने में आप जो बोले हैं कि 50,000 शिक्षकों की बहाली करेंगे उनको कीजिए, और न्याय संगत और नीति संगत नियम बनाइए। आपको नहीं चलेगा, आप अपना राजनीति साइड करिए, और छात्र के जो मुद्दे हैं, बावरी कमेटी का जो रिपोर्ट है उसके आधार पर तत्काल नियोजन को आगे बढ़ाइए। अगर आप खतियान आधारित पर नियोजन नीति आपको लगता है नहीं कर सकते, तो टेम्पररी जो लॉक किया गया 10 वर्षों के लिए, उसको आधार बना करके बावरी कमेटी को फॉलो कीजिए, और उसके आधार पर 100% आरक्षण देते हुए यहाँ के राजवासी लोगों को जैसा बिहार किया है, अध्ययन कीजिए ना भाई, आप बिहार कैसे कर ले रहा है? अरे वो JPSC के माध्यम से शिक्षक टीचर बहाली करने जा रहा है, वो कैसे कर ले रहा है? फिर बिहार कर सकता है, छत्तीसगढ़ से कर सकता है, उड़ीसा कर सकता है, वेस्ट बंगाल का बहाली में 100%, वहाँ आप अगर यहाँ से अन्य राज्यों का मौका ही आप फॉर्म में जाइएगा, साफ साफ लिख देता है वेस्ट बंगाल का निवास आवेदन करके, तो झारखंड सरकार क्या कर रहा है फिर? साफ साफ सवाल है सरकार से, अगर आप ऐसा नहीं कीजिएगा तो 2400 जिलों से छात्र उग्र आंदोलन करेंगे। या फिर आप लिख के रख लीजिए, और आने वाला कल और परसों 2 दिन अगर सरकार आज हमारे साथ ये सारी मांगों को नहीं मानती है, तो विशाल जो है आपका मशाल जुलूस निकलेगा प्रत्येक जिला में, हजार की मात्रा में बच्चे निकलेंगे और हाथों में कफन लेकर निकलेंगे। फिर 19 तारीख को राज्यव्यापी आंदोलन होगा, जिसमें संपूर्ण राज्य जो है आंदोलन होकर चक्का जाम होगा। कोई भी जो है उसमें जितने भी भाग है, सबसे हम निवेदन करते हैं राज्यवासियों से, क्योंकि यह पॉलिसी मैटर है, ना कि राजनीतिक मुद्दा है। पॉलिसी मैटर में जब पॉलिसी बनता है, तो आने वाले 30-40 वर्ष अगर आप इसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो सरकारी तंत्र गुलाम हो जाएगा। जो लोग आज नौकरी में आएंगे नौकरी करेंगे। आज 7 लाख फॉर्म भरा जाता है,
लेकिन अगर 40% बाहरी ओपन कर दिया गया तो 16-17 लाख फॉर्म भरेंगे। एक तरीके से यहाँ पर जो नियोजन नीति के माध्यम से आपने लागू नहीं किया है और नकल विरोधी कानून भी नहीं है, जिसके माध्यम से क्या होगा, जिसके माध्यम से क्या होगा कि आप जो है नकल विरोधी कानून नहीं लागू करेंगे तो जेई का एग्जाम जो कराता है वो खुद जो एग्जामिनेशन बॉडी है वो खुद इसमें सम्मिलित पाया जाता है कि वो क्वेश्चन लीक करा रहा है। झारखंड में ये हो रहा है, हम लोग छात्र क्या करें। मैंने खुद जेपीएससी का परीक्षा लिखा है, कहा जाता है कि जेपीएससी में क्वेश्चन लीक हो गया उसके लिए 1 महीना धरना दिए तब जाके रिवाइज आंसर किया आया है। जेएसएससी में 357 वैकेंसी में भी दाग लगा हुआ है। झारखंड का कोई भी नियुक्ति में बेदाग परीक्षा नहीं होता है। नकल विरोधी कानून जो पेपर खरीदेगा और जो पेपर बेचेगा उसको फांसी या आजीवन कारावास होना चाहिए। दो चीज़ें हैं। पहला तो कि आपने ये कहा कि जिस तरह से आप लोगों को आज लाठीचार्ज किया या फिर जिस तरह से जो आप लोग घायल हुए, आप लोगों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए 144 को आपने लांघा, उसके बाद फिर आप लोगों पर कुछ लोगों पर केस भी दर्ज हुआ। दूसरी चीज़ कि आपने नियमों का उल्लंघन किया। दूसरा ये कि